नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एचडी प्लस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर के आए हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और उसका नाम रखा गया है एग्ज़ाम न्यूज़ एनालिसिस। तो आज 23 जून का जो इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज़ है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज द हिंदू न्यूज़पेपर में दो न्यूज़ हैं। एक आपका इन्वायरमेंट संबंधित है, उसमें अगर देखा जाए तो वो बायोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। ये आज की न्यूज़ में है कि 4 न्यू कोरल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर। भारतीय जल में यानी कि अंडमान निकोबार में 4 नए कोरल को रिकॉर्ड किया गया है। अब कोरल क्या होते हैं, जूजेंथली क्या होते हैं और जो खोजे गए हैं वो ए जूजेंथली हैं। तो कोरल एक एनिमल होता है, इनवर्टिब्रेट फैमिली का है, जो निडेरिया फैमिली से निडेरिया फाइलम से आता है। और उसमें उसकी कोशिकाओं में, उसके टिश्यू में रहने वाले जो छोटे एक कोशीय एल्गी होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं जूजेंथली, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। तो ये एक आपका जो रिलेशन है, ये हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। और कोरल के बारे में आप जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको निडेरिया फाइलम में उसको हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिप और मेडुसा के नाम से जानते हैं। तो ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुद्दा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट न लिंक होकर के इकोलॉजी इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको बताने के लिए समय अपना नहीं बर्बाद करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन पूरी न्यूज़ मैंने इसको बनाई हुई है, एग्ज़ाम के समय इसको हम पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय जल क्षेत्र में 4 नए मूंगे दर्ज किए गए हैं। उनके बारे में मैंने सारा पॉइंट वाइज आपको बता दिया है, कौन कौन से 4 खोजे गए हैं और दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा इंडिया में पाया जाता है, और रीफ बिल्डिंग कोरल्स क्या होते हैं, नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स क्या होते हैं। तो ये जो 4 नए खोजे गए हैं, ये नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं, इनकी चर्चा आपको जाननी होगी। ZSI की जो निदेशक धृति बनर्जी हैं, उन्होंने प्रवाल भित्ति की दुनिया के बारे में क्या बात कही है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पानी से पहली बार ए जूजेंथली कोरल की 4 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। इन नए रिकॉर्ड के पीछे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक तमाल मंडल ने कहा है कि मूंगो यानी कि कोरल के सभी 4 समूह एक ही परिवार फ्लेबिलिडी से हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक धृति बनर्जी ने कहा है कि प्रवाल भित्तियां दुनिया के महासागरों के सबसे अधिक उत्पादक टिकाऊ और प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं, खास करके सैलो कोस्टल वाटर में। अगर देखा जाए तो भारत में जो सॉलिड कोरल हैं उनकी लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से लगभग 90% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के पानी में पाई जाती हैं। मूंगों का प्राचीन और सबसे पुराना पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 1% से भी कम हिस्सा साझा करता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का लगभग 1% से कम हिस्से पर ही पूरा आपका कोरल ही फैला हुआ है। लेकिन इस 1% से कम कोरल वाले क्षेत्र में दुनिया के 25% समुद्री जीवों का ये एक हैबिटेट है, अधिवास है, यानी कि टोटल जो एक्वाटिक लाइफ है उसका 25% जो है वो कोरल रीजन में ही रहते हैं। इसलिए कोरल का बहुत ही अधिक महत्व है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, डिटेल सारा आपको है, मैं आप लोगों को इसका जो PDF फाइल है वो भी सेंड कर दूंगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोरल क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। ये आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर हमको चर्चा करनी है, वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग बर्ड स्ट्राइक एंड एविएशन सेफ्टी। जब किसी भी चाहे वो सैन्य हो या नागरिक सेवा विमानन सेवा हो, उससे कभी कभी आप सुनते होंगे कि डायरेक्ट पक्षी टकरा जाते हैं। तो पक्षी टकराना बहुत ही खतरे का होता है, उससे
जान और माल दोनों का काफी नुकसान होता है। तो इसी में अभी हाल ही में दो एक ही दिन में दो जगहों पर क्या हुआ कि हवाई जहाज से पक्षी टकरा गए थे। तो उसी को लेकर के न्यूज़ आई है कि कौन से प्रकार के पक्षी ज़्यादा टकराते हैं, ये अब वो पक्षी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग पूरा इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि परचिंग बर्ड्स जो होती हैं वो सबसे कॉमनली हैं जो सबसे ज़्यादा टकराती हैं, परचिंग बर्ड्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन सी बर्ड सबसे ज़्यादा टकराती हैं। तो आप देख रहे हैं परचिंग बर्ड्स लगभग 22% हैं जो टकराती हैं। शोर बर्ड्स जो होती हैं वो 11% हैं। हॉक हो गया, ईगल हो गया, वल्चर ये 9% हैं। पीजन, ग्राउज ये 7% हैं। मैमल्स 3% हैं। स्विफ्ट बर्ड जो होती है सबसे तेज जो दौड़ती है, ट्री स्विफ्ट। हमिंग बर्ड सबसे छोटी जो होती है वो 2%। डक हो गए, गीज हो गए, स्वान हो गए ये 2%। आउल 2%। हिरॉन हो गए, स्टॉर्क हो गए, लिबिस हो गए, फ्लेमिंगो हो गए ये 1% हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा हवाई जहाज से टकराने वाले पक्षी कौन से होते हैं, तो वो परचिंग बर्ड्स हैं। अब परचिंग बर्ड्स होते क्या हैं, उसको पैसेरी फॉर्म्स कहा जाता है। तो 10,000 जो ज्ञात इसकी स्पीसीज हैं बर्ड्स की, वो पैसेरी फॉर्म में पाई जाती है कि फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको परचिंग बर्ड्स कहा जाता है। परचिंग बर्ड्स की विशेषता क्या होती है कि इनमें तीन जो होते हैं बिना जाल वाले जो टो होते हैं वो सामने होते हैं, और एक स्ट्रांग फ्लेक्सिबल जो टो होता है वो बैक साइड में होता है। तो उससे होता क्या है कि एक तीन टो ये होते हैं और एक टो क्या होता है बैक में होता है। इससे ये होता है कि इनकी ग्रिप अच्छी होती है, किसी भी डाली पर किसी भी पेड़ पर ग्रिप करने में ये काफ़ी इसको सहायता मिलती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं परचिंग बर्ड्स कहते हैं। और जो पीछे वाला जो बैक वाला जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी टो होता है उसको कहते हैं हलॉक्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो उससे पर्च करने में इनको जो है आसानी होती है। जो मोस्ट जो स्पीसीज है परचिंग बर्ड्स की, उनमें लगभग 12 टेल फीदर्स होते हैं, 12 टेल फीदर्स होते हैं। परचिंग बर्ड्स जो है वो दुनिया के सभी भागों में पाई जाती हैं, विभिन्न कलरों में पाई जाती हैं, अलग अलग पैटर्न में पाई जाती हैं, अलग अलग शेप की पाई जाती हैं, अलग साइज की पाई जाती हैं। और ये दो सब ऑर्डर में डिवाइडेड हैं, एक टायरानी और एक पसेरी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पसेरी जो होती हैं वो सॉन्ग बर्ड्स हैं, गीतकार हैं, ये गाना गाती हैं। और इनकी लगभग 4,000 पक्षी जो हैं वो सब ऑर्डर में आती हैं। ये अन्य पक्षियों से इस रूप में भिन्न हैं क्योंकि इनमें क्या होता है कि चार मसल्स की इनमें जो है वो वॉइस बॉक्स पाई जाती है, उसको लैरिंग्स कहते हैं। और ये जो चार मसल्स हैं वो अलाउ करते हैं इनको गाने को गाने में गीतकार के रूप बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स साउंड जो है और जो है वो आवाज़ निकालने में हेल्प करते हैं। इनकी एक विशेषता और है कि जो दूसरी जो पक्षी हैं उनको ये गाना सिखाती हैं, इन सीखती हैं, ये दूसरे से सुन सुन करके सीखती हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि दूसरी बर्ड से सुन करके ये गाना गाने लगती हैं, उसकी विशेषता ये होती है कि ये दूसरे से सीख करके गाना गाती हैं। और दूसरी जो है आपकी टायरानी सब ऑर्डर जो होती हैं, ये इनकी लगभग ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं, लगभग 1,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये मोस्टली साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये भी गाना गाती हैं लेकिन इनमें सीखने की क्षमता नहीं होती, सीखती नहीं हैं, ये बाय बर्थ जो होती हैं वो सीख इनमें गाना गाने की कैपेसिटी होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपकी परचिंग बर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा टकराती हैं, न्यूज़ में है, द हिंदू में आया है, तो ये पीटी के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस किस पार्ट से सबसे ज़्यादा जो है बर्ड्स स्ट्राइक करती हैं। तो एक आपका टेल जो होता है वहाँ से करती है 3%, 19% उसके विंग से करती हैं, 21% उसके इंजन में घुस जाती हैं, यहाँ पर पूरा वो लाइट से टकराती हैं लगभग 6%, फ्यूज लेस से लगभग 5%, लैंडिंग गियर से लगभग जो है 5%, विंड सीट से लगभग सील्ड से 5%, रेडोम से लगभग 7%, और उसकी जो नोजल होती है आगे वाला हिस्सा उससे लगभग 6%, और अदर भाग से जो है 20%। तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा टकराती है वो दो चीज़ों से, इंजन से सबसे ज़्यादा और उसके विंग से नंबर दो पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पक्षी जो होते हैं वो इंजन और विंग से टकराते हैं।
तो ये आज की न्यूज में है कि 19 जून को पटना दिल्ली सेक्टर में SG 723 पर 185 यात्रियों के साथ एक स्पाइसजेट बोइंग 737-800 चढ़ाई के चढ़ में, यानी कि जब वो टेक ऑफ करने के चढ़ में था, तो उसके तुरंत बाद जो है वो क्या हो गया कि उसमें पक्षी जाकर के इंजन में टकरा गया और मारा गया। और देखते देखते जो है वो इंजन में क्या हो गई, आग की लपटें दिखाई देने लगी। इंजन बंद कर दिया गया और करीब 20 मिनट बाद फ्लाइट को पटना में वापस लैंड कराया गया। उसी दिन एक इंडिगो एयरबेस A32-320N6C6394 गुवाहाटी से दिल्ली आने वाला था, उड़ान भरी थी, और उसके बाएं इंजन में एक पक्षी ने टक्कर मार दी, ऐसा अनुभव हुआ। विमान रवाना होने के करीब 15 मिनट के बाद फिर से उसे गुवाहाटी वापस लौटाया गया। दोनों घटनाओं में इंजन के कुछ ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए थे या उनमें फ्रैक्चर आ गया था, दोनों में। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए पूरा जो आपका नागरिक उड्डयन नियामक निकाय है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच के आदेश जारी किए, और इसके अलावा सभी हवाई अड्डा संचालकों को निर्देश दिया गया कि इसने सभी हवाई अड्डों को हवाई क्षेत्र के भीतर और बाहर के वन्य जीव जोखिम प्रबंधन योजनाओं, वाइल्ड लाइफ रिस्क मैनेजमेंट जो प्लान है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। यानी कि उसके आसपास जो वाइल्ड लाइफ रिस्क मैनेजमेंट है, उसको क्या वो सही से काम कर रहा है, क्योंकि मानसून के महीने में देखा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ होती है उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। घास की ट्रिमिंग हुई है या नहीं हुई है, रनवे का निरीक्षण करना, परिचालन क्षेत्रों में कचरा निपटान हुआ है कि नहीं हुआ है, जल निकासी सुरक्षित व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें वन्य जीव जोखिम प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत आती। तो मानसून के समय में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं, समीक्षा की गई है। अगर देखा जाए कि विमानन से पक्षी के टकराने का इससे पहले के आंकड़े क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है ICAO 1965 से वर्ल्ड स्ट्राइक डेटा एकत्र कर रहा है, 1965 से पक्षियों के टकराने का डेटा एकत्र कर रहा है, लेकिन 79 में इसने सदस्य राज्यों से डेटा एंट्री और रिट्रीवल सिस्टम में विमान पर वर्ल्ड स्ट्राइक की रिपोर्ट करना शुरू करने का अनुरोध किया। ICAO वर्ल्ड स्ट्राइक इंफॉर्मेशन सिस्टम 1980 से परिचालन में आया, ये किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का जो वर्ल्ड स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये 1980 से काम करना शुरू किया। 62,416 सत्यापित रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चलता है, यानी कि इतनी बार लगभग जो है वो पक्षी टकरा चुके हैं। उड़ान के टेक ऑफ और अप्रोच चरणों के दौरान अधिकांश हिट हवाई आंकड़ों में उसके पास थे, यानी कि अधिकांश जो बर्ड स्ट्राइक हुई है वो टेक ऑफ अप्रोच के चरणों में हिट हुआ है, जब वो हवाई अड्डा, जब कोई हवाई यान जो है हवाई अड्डे के पास में होता है। ICAO वर्ल्ड स्ट्राइक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक पेपर के अनुसार लगभग 60% 30 मीटर या उससे कम या लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। एक पब्लिश पेपर हुआ तो बताया गया कि जितने भी बर्ड स्ट्राइक हुए हैं उसका लगभग 60% 30 मीटर या उससे कम या लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर ही ज्यादा स्ट्राइक हुए हैं। दूसरे पेपर में जिसका नाम था नागरिक विज्ञान और मौसम रडार डेटा, उसके द्वारा समझाया गया और कहा गया कि जो कॉमर्शियल हवाई अड्डों पर जो बर्ड स्ट्राइक हुई हुई है 2017 में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में 14,000 से अधिक पक्षी हमलों की सूचना मिली थी, 14,000 केवल 17 में, अकेले उस वर्ष के लिए लागत 142 मिलियन डॉलर थी, यानी कि 142 मिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान। LNGR द्वारा एक तीसरा पेपर द कॉस्ट ऑफ वर्ड स्ट्राइक एंड बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन में विश्व स्तर पर वर्ड स्ट्राइक की वार्षिक लागत अनुमानित 1.2 बिलियन डॉलर बताई है। ऑर्निथोलॉजी यानी कि जो ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षी विज्ञान यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ये भी आपके PT के लिए है, पूछ सकता है कि कार्नवेल लैब के वैज्ञानिकों और भागीदारियों का कहना है कि साल भर पक्षियों की गतिविधियों की जानकारी से विमान को होने वाले नुकसान और यात्रियों को होने वाले जोखिम से बचने में मदद मिल सकती है। 2018 में अमेरिका में नागरिक उड़ानों पर संघीय उड्डयन प्रशासन के आंकड़ों ने
वन्य जीवों के साथ 14,661 टकराव दर्ज किए, जो एक दिन में 40 से अधिक मामले। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2021 में DGCA के आंकड़ों में 1400 से अधिक संदिग्ध और पुष्ट वन्य जीव घटनाएं दर्ज की गई, जो 2016 में लगभग 840 मामलों से अधिक है। यानी कि 16 में 840 मामले हुए थे, 21 में जाकर के 1400 संदिग्ध मामले आए हैं। और ये भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो हुई हैं वो दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे से हुई हैं। भारत की राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना 2018 से 22 में ICAO की वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना के अनुरूप है। यानी कि जो वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना है उसके अनुसार ही भारत की राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना को बनाया गया है 2018 से 2022 तक। DGCA ने कहा है कि प्रमुख सुरक्षा प्राथमिकताओं में से एक क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा योजना की सुरक्षित वृद्धि पहले के तहत एशिया प्रशांत में वन्य जीव और पक्षी हमले को देख रहा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति नेशनल बर्ड कंट्रोल जो आपका काउंसिल है द्वारा सुझाए गए ऑडिट का पालन किया जा रहा है। प्रति 10,000 मूवमेंट्स पर सभी भारतीय हवाई अड्डों पर रिपोर्ट किए गए पक्षी हमलों की संख्या की सुरक्षा प्रत्येक संकेतक के तहत होनी चाहिए। वर्ष 2022 के लिए 4.26 सुरक्षा प्रदर्शन लक्ष्य को सूचित करता है। अब बताते हैं कि विशेषज्ञों क्या क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में, तो पक्षियों से टकराने की घटनाओं को कम करने मदद के लिए क्या किया जा रहा है। तो कैप्टन ए रंगनाथन एक पूर्व एयरलाइन प्रशिक्षक पायलट और विमानन सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड स्ट्राइक कमेटी का हिस्सा होने पर एक वर्ल्ड स्ट्राइक हाइड आउट निकाला था और उन्होंने द हिंदू को बताया है कि हाल ही में वर्ल्ड हिट की घटनाओं से पता चलता है कि हवाई अड्डे के आसपास के सभी क्षेत्रों को जो बूचड़खाने हों और जो कचरा डंपिंग हो और कारक जो वन्य जीवों को आकर्षित करते हैं और जोखिम बढ़ा सकते हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। यानी कि हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में न तो कोई बूचड़खाना हो ना कोई कचरा डंपिंग वाला हो, क्योंकि ये दुनिया क्या करती हैं, जहाँ पे बूचड़खाना होगा कचरा डंपिंग होंगे तो आपको पता ही है कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और पक्षी उड़ेंगे तो वो क्या होगा, एविएशन के लिए खतरा ही होगा। विमानन से निकाले गए कचरे के निपटान के लिए हवाई अड्डों पर भस्मक लगाने का भी उम्मीद है। यानी कि विमानन से जो भी कचरा निकले उसको वहीं पर निपटान के लिए वहाँ पर एक प्रकार का स्मेल्टर लगा दीजिए कि वहीं पर उसको भस्म कर दीजिए। विशेषज्ञों का कहना है कि पक्षी टक्कर की रोकथाम के लिए एयरलाइनों के पास कुछ मानक संचालन प्रक्रियाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पायलटों के लिए निरंतर निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। लिफ्ट ऑफ के बाद उड़ान भरने वाले पायलट की नज़र उपकरणों पर होनी चाहिए और उड़ान नहीं भरने वाले पायलट को पक्षियों को देखने के लिए अपनी आँखें बाहर रखनी चाहिए। यानी कि जो लिफ्ट ऑफ के बाद उड़ान भरने वाला जो पायलट है उसके नज़र हमेशा उपकरणों पर रहे और जो बगल में जो सहयोगी जो पायलट है वो देखता रहे कि बाहर पक्षी तो नहीं आ रहा है। प्रशिक्षण के दौरान इस पर जोर दिया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि पक्षी व्यवहार को समझना, यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी व्यवहार को समझना और चालक दल और ऑपरेटरों को उसे परिचित होने की भी आवश्यकता है। पक्षी किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार से उड़ते हैं, कैसे वो गोता लगाते हैं, कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं, ये सब एक बेसिक जानकारी पायलट को चालक दल को होनी चाहिए। जमीन के करीब पक्षियों की सहज प्रतिक्रिया विमान पर से दूर हो जाना है। वर्ड स्ट्राइक तब होती है जब पायलट शुरुआती टेक ऑफ चढ़ के दौरान उन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर पक्षी अटैक तभी करते हैं जब पायलट शुरुआती टेक ऑफ करने का शुरुआत करता है और पक्षी उस पर चढ़ने का प्रयास करता है। पक्षियों को एक इंजन में पूरा सक कर लिया जाता है क्योंकि विमानन के इंजन का अंतर्ग्रहण क्षेत्र टेक ऑफ थ्रस्ट के साथ काफ़ी अधिक होता है। यानी कि इतनी तेज़ी से घूमता है कि वो आसपास कोई पक्षी अगर आ भी गया है तो उसको तुरंत खींच लेता है। पक्षी एक विमान से बचने के लिए 100 फीट से अधिक गोता लगाते हैं। इससे पक्षियों के व्यवहार को भी समझा जा सकता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। द हिंदू ने डॉक्टर पी प्रमोद प्रधान वैज्ञानिक जो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल
हिस्ट्री सैकॉन, ध्यान इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, कोयम्बटूर में है, उनसे बात की। ये जो सैकॉन है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत उत्कृष्टता केंद्र है, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सैकॉन भारतीय विमानन प्राधिकरण एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पक्षी हिट दोनों संगठनों को प्रभावित करते हैं, यानी कि भारतीय वायुसेना के विमानों से भी पक्षी टकरा सकते हैं और भारतीय विमानन पत्तन नागरिक सेवा से भी टकराते हैं। 2017 से 20 से सैकॉन ने 3 हवाई अड्डों को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को और कन्नूर को, हजारों खतरों के मुद्दों का अध्ययन किया है। यानी कि सैकॉन ने अभी तक 3 मेजर जो कोयम्बटूर, अहमदाबाद और कन्नूर के जो हवाई अड्डे हैं उन पर अध्ययन किया हुआ है, हमले के खतरों का अध्ययन किया है। ये भी बताया गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विश्लेषण में 10 किलोमीटर के दायरे में कहा गया है कि चूंकि हर जगह की समस्याएं एक समान नहीं हैं, क्योंकि हर जो एयरपोर्ट है वो अलग अलग जो भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया में है, अलग अलग क्लाइमेटिक एरिया में है, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, उनके अलग अलग अपने व्यवहार हैं, अलग अलग वहाँ पर व्यवसायिक केंद्र हैं, तो अलग अलग जो है सभी को एक तरह से देखना अच्छा नहीं होगा। हर हवाई अड्डे की अपनी भौतिक और आर्थिक और सामाजिक तरीके से, जलवायविक तरीके से समझ करके ही उसका पारिस्थितिकी तंत्र के तहत उसको अच्छे तरीके से उस पर काम करने की जरूरत है। सैकॉन ने अब एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के आधार पर पूरे भारत में 12 हवाई अड्डों पर अध्ययन का विस्तार किया है। इस तरह की व्यवस्था भारतीय वायुसेना के साथ भी की जा रही है। सैकॉन को अगस्त 2022 से हवाई अड्डा पक्षी खतरा प्रबंधन टीमों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करनी है। वैज्ञानिक का कहना है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के प्रत्येक हवाई अड्डे की अपनी अनूठी, जो मैंने बताया अभी आपको, कि पारिस्थितिकी सेटिंग है और इसलिए समाधान अलग हैं। उदाहरण के लिए हवाई अड्डे के आसपास 60 एवियन प्रजातियां हो सकती हैं, तो केवल 5 से 6 ही समस्या पैदा कर सकते हैं। एक वर्ष से अधिक समय तक पक्षियों के अध्ययन से इन प्रजातियों की गतिशीलता को संभालने के तरीके पर सिफारिशों की एक विशिष्ट सूची प्राप्त होगी। उन हवाई अड्डों में अच्छे परिणाम हैं जहां पर 100% इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक उदाहरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर में 90% पक्षी हिट में लैम्पिंग एक जमीन पर घोंसला बनाने वाली पक्षी है जो शामिल है। ये बताया गया कि प्रजाति हवाई अड्डे के क्षेत्र को घोंसले के मैदान के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, रनवे के पास खुली मिट्टी की तलाश कर रही थी। सैकॉन ने इन क्षेत्रों में घास को फिर से शुरू करने की सिफारिश की, क्योंकि आवास प्रबंधन का एक उदाहरण था। सैकॉन ने समस्याग्रस्त पक्षियों को दूर रखने के लिए हवाई अड्डों और आसपास के इंजीनियरिंग समाधानों पर भी काम करने का प्रयास कर रहा है। जो बर्ड हिट करने के बेसिकली अधिक कंसर्न हैं उनको कैटेगरी 1 हिट में रखा गया है। जैसे देखा गया है कि जो बहुत बड़े पक्षी होते हैं, जैसे काइट हो गया, चील हो गया, ये एयरक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इनका हिट जो है वो क्या है, वो कम हो गया, डिक्लाइन कर गया। ज़्यादातर जो हिट होते हैं वो छोटे पक्षियों ही इसमें शामिल हैं। सिविल एविएशन में ये ऑब्जर्व किया गया है कि 100 मीटर की हाइट पर ही ज़्यादा टक्कर होती है, और ये तब होता है कि जब कोई भी एयरक्राफ्ट या तो टेक ऑफ कर रहा होगा या लैंडिंग फेज में होगा। यानी कि टेक ऑफ करके 100 मीटर की ऊंचाई पर या लैंडिंग करते हुए जब 100 मीटर जब पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा टक्कर जो हुई है वो 100 मीटर के आसपास होती है। भारतीय परिदृश्य में एक उचित डाटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है कि पक्षी कौन कौन से पक्षी हैं, किस प्रकार के पक्षी टकराते हैं, उनके लिए तमाम जो डाटाबेस है उसको तैयार करना है। उसके लिए
जलवायु प्रबंधन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और ऑर्निथोलॉजिस्ट सभी के सहयोग से इस पर काम करना है। ये पक्षी प्रजातियों, घटना की ऊंचाई और सटीक जो है वो भू स्थानिक निर्देशांक जैसे आवश्यक विवरण एकत्र करना है कि उस एरिया में कौन कौन से पक्षी हैं, कितनी ऊंचाई पर घटना हो रही है और वहाँ का जो जियो लॉजिकल जो जियोमेट्री है, जो निर्देशांक है वो, उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। वैज्ञानिक ने साइकॉन की राष्ट्रीय एवियन फॉरेंसिक प्रयोगशाला पर भी प्रकाश डाला है। ये ध्यान रखिएगा, फॉरेंसिक प्रयोगशाला पर प्रकाश डाला है। क्यों? क्योंकि जब टकराएंगे तो उसके जो रक्त के नमूनों से, उनके ऊतकों से, उनके पंखों से जो डीएनए मिलेंगे और पंख के जो माइक्रोस्ट्रक्चर के माध्यम से पक्षियों की प्रजातियों का पहचान कर सकते हैं, जो आमतौर पर विमान इंजनों की पक्षी हिट विमान से मिलता है। ये एक बड़ी अच्छी पहल है, तो फोरेंसिक साइंस का भी हम यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि साइकॉन उचित फोरेंसिक और डेटा रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भारतीय हवाई अड्डों पर पहुँच रहा है। यानी कि साइकॉन क्या करेगा, फॉरेंसिक डेटा रिपोर्टिंग करेगा, प्रबंध प्रणाली को सुनिश्चित करेगा, इन सब चीज़ों को वो करने का बेहतर प्रयास करेगा। क्योंकि दो बैक टू बैक वर्ड स्ट्राइक की घटनाओं के बाद नागरिक उड्डयन महासचिवालय ने सभी हवाई अड्डा संचालकों को एक निर्देश में सभी हवाई अड्डों को हवाई क्षेत्र के भीतर और बाहर के लिए अपनी वन्यजीव जोखिम प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ड स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन सिस्टम द्वारा 62,416 सत्यापित रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि उड़ान के टेक ऑफ और अप्रोच चरणों के दौरान ज़्यादातर बर्ड हिट हवाई अड्डों में या उनके पास होते हैं। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ने अब पूरे भारत में 12 हवाई अड्डों के लिए हवाई खतरों के मुद्दों के अध्ययन का विस्तार किया है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि भारत में प्रत्येक हवाई अड्डे की अपनी अनूठी पर्यटन की सेटिंग है, इसलिए समाधान भी सबके क्या हैं, अलग अलग है। तो ये था आज का न्यूज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई चीज़ें हैं जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेंसिक साइंस, कई चीज़ों से जुड़े, बर्ड्स, बायोलॉजी, सभी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो इसको आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको इसको समझना है और इसको पढ़िएगा। तो 2022-23 जून का ये न्यूज़ है और ये पीटी 2023 और अपने निबंध में या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोज़ के रोज़ न्यूज़ आपको मिलती रहे द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी माध्यम में, तो आप थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाइए। उत्साह बढ़ाने का मतलब ये है कि आप मेरे इस सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।